वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एनजी फिजिक्स क्लासेस। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नई कहानी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये बात हम लोगों को प्रूव करके बतानी है, तो करते हैं शुरुआत। आप लोगों को पता होगा मैं आपसे पूछता था कि जैसे भैया ये चार्ज है, ये कोई चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, ठीक है भैया, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता था कि भैया झटका इस बंदे को ज्यादा लगेगा या इस बंदे को ज्यादा लगेगा, जरा बताओ किस बंदे को ज्यादा लगेगा। जो पास में होगा उसे झटका ज्यादा लगेगा और जो दूर होगा उसे झटका कम लगेगा, सही बोल रहा हूं ना। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। भाषा समझ में आ गई, क्लियर। अब वो मुझसे जानना चाहता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, ओके। जैसे उसने बोला ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्लियर। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाषा समझ में आ गई आप सभी को कि नहीं आई, बोलो भैया सीन क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है, हम लोग तैयार है सॉल्व करने के लिए। तो सभी लोग ऑन द बोर्ड ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिसन एवरीवन, हियर आई हैव कंसीडर अ चार्ज कैपिटल क्यू विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, क्लियर। मैंने यहां पर चार्ज दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड में प्रॉपर, है ना। मैंने यहां पर चार्ज कैपिटल क्यू कंसीडर किया है जो कि पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये चार्ज है तो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, है ना। अब उसने बोला है कि इस चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, क्लियर। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो करें शुरुआत। मैंने मान लिया इस पॉइंट पी का चार्ज क्यू से जो डिस्टेंस है दैट इज आर, कितना डिस्टेंस है ये, आर डिस्टेंस है। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी, कितना डिस्टेंस है ये, आर डिस्टेंस है। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक बार बताओ, मुझे उसने पूछा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, पर यार मैंने ये पढ़ रखा था, मैंने पढ़ा था पहले दिन जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को समझना, ये इन्फिनिटी है, टेस्ट चार्ज बोल दो चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में, है ना, इस पॉइंट तक लाने में किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलो बता जरा फटाफट, बोलते हैं ना, है ना। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही बोल रहा हूं। यानी अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो मुझे इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, सही बोल रहा हूं। अब कहानी है कि इन्फिनिटी का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, इन्फिनिटी की तो कैलकुलेशन कभी होती नहीं है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक का वर्क डन निकालने की बजाय मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। यहां पर मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए ए बी, है ना, सर्कल के अंदर भी कर सकते हो बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। स्टार्टिंग में ये जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैंने यहां पर मान लिया, इस पॉइंट पे मान लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लिया, ठीक है। और मैंने मान लिया इस पॉइंट का इस सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, कितना डिस्टेंस है एक्स। अब जब ये डिस्टेंस एक्स है तो ये जो ए बी स्मॉल एलिमेंट है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी एक्स, बोलो भैया सही जा रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सबको साफ प्रॉपर, है ना। तो ये छोटा सा डिस्टेंस dx हो गया। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी से लेके p पॉइंट तक का ना निकालने की बजाय, क्योंकि वो तो निकाला ही नहीं जा सकता, इन्फिनिटी का तो कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, तो मैं सबसे पहले a से b तक का वर्क डन निकाल लेता हूं। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा हूं a से लेके b तक का, उसका वर्क डन निकाल लेता हूं। तो मैंने बचपन में पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को भैया, बोलो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, जब डिस्टेंस स्मॉल अमाउंट का है तो वर्क डन भी तो स्मॉल अमाउंट का ही होगा, बोलो,
इसलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है dW बराबर FdA। समझ में आए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब एक बात बताओ, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किधर की तरफ फेंक रहा था, ऐसे या ऐसे? ऐसे फेंक रहा था, यानी इस वाले चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा था। और आप चार्ज को किधर डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर की तरफ, यानी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। इसलिए ये वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन होगा, ये नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्यों किया, बात समझ में आई आपको? बोलो भैया, ये बात समझ में आई सभी को कि नेगेटिव मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, इस वजह से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, यहां तक बात क्लिक कर रही है सभी को, है ना? तो ये वर्क डन कहां से कहां तक आया, ए से बी तक आया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया। मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या करूं, इंटीग्रेशन, है ना? टोटल निकालने के लिए क्या करूं, इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन कहां से कहां तक का टोटल निकालना है आपको? तो देखो ये इन्फिनिटी है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और आपको इन्फिनिटी से लेके ये आर डिस्टेंस तक का वर्क डन निकालना है। तो मैंने यहां पर लिमिट लगा दी इन्फिनिटी टू आर। बोलो भैया, स्टेप क्लियर है यहां तक? सबको बात समझ में आती है? हाँ जी। तो बस अब कछु बचो ना, था क्या कहानी खत्म। मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, अगर तुम्हें याद हो, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ dW, W, समझ गए बबलू? बोलो सीन क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूं। फिर वही इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r माइनस एज इट इज f, फोर्स है। अच्छा dx मैंने ये यहां ताम दिया वैसा की वैसा, ठीक है? अब फोर्स की बात कर रहा हूं। मैंने बचपन में पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर? कूलम्स लॉ में पढ़ा हो तो आ जाओ, एफ की जगह रख रहा हूं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन, तो क्यू वन हो गया कैपिटल क्यू, Q2, तो स्टार्टिंग में आपने स्मॉल Q चार्ज यहां पर एज्यूम किया है, तो Q2 हो गया स्मॉल Q, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R क्या होता था, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप कितना एज्यूम कर रहे हो, x। स्टेप समझ में आया भैया? बोलो सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर यहां तक की कथा क्लियर है तो अब ना बचो जा मैं कछू, बस काम खत्म, ठीक है? देखो इधर देखते जाना फटाफट। कल मैंने पढ़ा था, कल आप मुझसे बड़ा बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो V बराबर W अपॉन Q, याद है आपको नजारा? बोलो तो W बराबर क्यों वे, क्यों वे, याद आया W बराबर क्यू भी? बोलो तो W की जगह मैंने तान दिया यहां पर क्या, क्यू भी, क्यू भी इज इक्वल। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो बताओ भैया x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे और बचा कुचा सब बाहर फेंक देंगे। बोलो, करवाया था ना ये इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो, है ना? है ना, ये वहां पर मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए q से थोड़ी छेड़खानी की थी, है ना? बताऊंगा अभी मैंने आपको क्या दिया था वहां पर। तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा क्या करूं, बचा कुचा क्या करूं, बाहर फेंक दूं, है ना? तो बाहर फेंका मैंने तो क्या बाहर आ गया, माइनस वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू क्यू, ठीक है? और क्या बच गया, अंदर बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। स्टेप समझ लो भैया, लपक गए स्टेप, समझ में आ गया ये स्टेप, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भैया, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? हैं जी, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ो, बोलो। अच्छी बात है, कट गए क्यू से क्यू, क्लियर? आगे बढ़ो। तो v इज इक्वल टू हमार हुआ, यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, है ना? यहां तक स्टेप क्लियर हो गए ना सारे आप लोगों को? बोलो, तो v इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर
ये 1/x² है, x स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 हो जाएंगा नहीं हो जाएंगा, बोलो बबुआ। किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हो या ऊपर से नीचे लाते हो तो सुना है पावर का साइन चेंज हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, क्लियर है सभी को, है ना। तो v बराबर अपना हुआ -1/4πε0 के क्यू। अब इसमें आगे सॉल्व करना है हमें, तो यहां पर मुझे दिख रहा है फॉर्मूला, आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx बराबर होता है एक्स की पावर n+1/n+1, फॉर्मूला बताया था आपको, बोलो इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब, सब सिखा चुका हूं, 11th की कमजोरियां भी मैंने दूर की थी, पहले ही बोला तीन तीन चार चार देना कहते थे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में, तो यही फॉर्मूला तान दम गया मैंने। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2+1/-2+1, लिमिट इन्फिनिटी टू आर है तो लिमिट मैंने इन्फिनिटी टू आर लगा दी, सीन क्लियर है बॉस, बोलो भैया है, चलू आगे बढ़ जाऊ, चलो। तो v इज इक्वल टू आपका हुआ -1/4πε0 q। अब आप गौर से देखिएगा -2+1 कितना हुआ, -1 हो गया, ये -1 हो गया, और जब -1 है बाहर लेंगे तो माइनस पे माइनस अधूरा है जाएंगे, बोलो। तो यहां माइनस लिखूंगा, हटा दू ये माइनस क्यों हटा दिए, समझ में आया। तो अंदर यहां पे का बच्चे को देखियो x की पावर -2+1-1 लिमिट हो गई इंफिनिटी टू आर, बोलो जी यहां तक क्लियर है खेल, चलू आगे आगे बढ़ रहा हूं। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q, x की पावर -1 है, इसे ऐसे नहीं लिख सकता 1/x, बोलो भैया 1/x, x पे पावर यहां कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानेंगे, x की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो -1 ही तो आएगा, तो ये एक ही बात हुई है, बोलो हुई नहीं हुई, हुई ना, बात समझ में आई ना, कर लोगे ना, बोलो ना। तो v बराबर आपका हुआ v बराबर 1/4πε0 k q, इसमें क्या लगा दू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, तो गौर से देखिए अपर लिमिट कितनी है जरा बोल के बताओ, r, अपर लिमिट r है तो x की जगह r रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है इंफिनिटी, तो x की जगह इंफिनिटी रखूंगा, क्या मैं उम्मीद करूं ये बात हमको पल्ले पड़ गई, क्लियर है, आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब थोड़ा सा प्लॉट छोटा पड़ रहा है तो यही कर रहा हूं आपको, ये देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा, 1/∞ कितना होता है 0, बोलो 0 होता है। तो ये देखिए v बराबर 1/4πε0 k q 1/r -0, 1/∞ 0 होता है राइट, अब -0 तो लिखने की कोई जरूरत है ना, 1/r का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, v बराबर 1/4πε0 k q अपॉन r, बोलो भैया समझ में आ गई बात सभी को, v बराबर 1/4πε0 k q अपॉन r, ये फॉर्मूला SI सिस्टम में आ गया, यूनिट हो गई वोल्ट, याद आ रहा है SI से CGS में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4πε0 हटा देते हैं, है ना। तो वहां पर CGS सिस्टम में यही फॉर्मूला अगर किसी ने पूछ लिया तो q अपॉन kr आ जाएगा, केवल 1/4πε0 हट जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेट वोल्ट, सीन समझ में आया भैया आप लोगों को, बोलो कर पाओगे, काउगे को परेशानी, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ, वेल तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया होगा, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जो रिलेशन है v बराबर 1/4πε0 के q अपॉन r काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, यानी इस चैप्टर की जो जड़ है वो यही है, आपने देखा इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था आपने, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज रिलेशन था, e बराबर 1/4πε0 के q अपॉन r स्क्वायर, कितना यूज हुआ था वो पूरे चैप्टर में यूज हुआ था, ऐसे ही यहां पर पूरे चैप्टर में ये यूज होगा, उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में केवल स्क्वायर का फर्क है बस, बाकी का सब सेम है, वहां q अपॉन r स्क्वायर था, इसमें केवल r स्क्वायर नहीं है, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 के q अपॉन r, कैसे को हमने पूछी तो बता दोगे पक्का,
अगर इतने ही बताने वाले हो तो फिर आगे की कहानी में आप लोगों से कहता हूं। अगला क्वेश्चन मुझसे वो बोल रहा है पट्टा, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसको चमकाते हैं, ठीक है भैया। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने बचपन में इतना जरूर जान लिया है कि V बराबर 1/4πε0KQ/R। ये हवाले ही मैंने ताजा पढ़ा है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बोलो भैया, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, है ना? V बराबर 1/4πε0KQ/R, क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया अच्छे से। अब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, ये फॉर्मूला मुझसे कह रहा है वी प्रोपोर्शनल टू क्यू, यस और नो, बोलो। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, बोलो। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बोलो। क्लियर है? तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला टर्न घोंट के दी जाना, उसी से ये निपट जाएगा। कैसे निपटेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुना। अच्छा, इतना तो जानते हो ना, जैसे ये दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जे बढ़ेगा तो ज्यू बढ़ेगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता? वो ऐसा तो ना ना जहां में ज्यू नहीं पता हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। पता है कि ना पता हो? मोनिका आपसे पूछ रहा हूं, पता है? हाँ या ना में जवाब दो। काफी सारे बच्चन ने पता ही ना ने मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं आज बता रहा हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं बताऊंगा, है ना? जो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं समझते तो वो समझ ले भैया, समझ ले इस बात को, है ना? इधर देखो, जैसे मैंने कोई रिलेशन लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे स्पीड या डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जाकर मतलब यह कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड कम होगी, और स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यह टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। इनवर्सली का मतलब उल्टा होता है, ये ऊपर है ये नीचे है तो यहाँ उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, समझ में आएगा? और डायरेक्टली में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, समझ में आएगा? मैं बिल्कुल देसी में समझाता हूँ आपको, देसी में। मान के चलो तुम पढ़ ले गए, ठीक है, अब तुमको सैलरी ऑफर की जा रही है, तुम्हारी जो सैलरी है ना 100/2 lakh rupees पर मंथ है। कितनी है? 100/2 lakh rupees पर मंथ। तो बता तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50 lakh rupees महीना, है ना? 50 lakh rupees महीना। अब एक बार बताओ, अगर मैं 100 की बजाय यहाँ पे 200 करता हूँ, 200, तो तुम्हें कैसा लगेगा? चेहरा पे मुस्कुराहट आएगी, अच्छा तो लगेगा ही, क्लियर? 100 की बजाय अगर मैं 2 से कर दे वो, तो इसका मतलब आपकी सैलरी है ना, समझ गए ना, 100 lakh rupees पर मंथ हो गई। यानी इसे बढ़ा देने से ये बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ गए ना? यही बता रहा था मैं आपको, है ना? यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैं जाए 100 की बजाय 50 कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जन तो लगेगा, क्योंकि देखो ये कम हो गया, 100 की बजाय 50 करूंगा इसको, तो ये सैलरी भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि 50/2 25 lakh rupees पर मंथ रह गई। नहीं है मेरी बात समझ में? कहने का तात्पर्य ये, जो बढ़ेगा तो जो बढ़ेगा, जो घटेगा तो जो घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? समझ में आई कि नहीं आई? आ जाओ, जाते आ जाओ। अभी चलो मैंने ये सिचुएशन दी है, इस टाइम आपकी सैलरी कितनी है? भाई तुम्हें 10 lakh rupees महीना, 100/10, 10 × 100 कटेगा तो 10 lakh rupees महीना। अब एक बार बता, जाए अगर मैं 10 की बजाय 20 करता हूं, 20, तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा, है ना? है ना? क्योंकि इसे बढ़ा देने से सैलरी कम हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रमोशन। मैं जानते हैं, अब समझ में आ गई होगी। अरे ना आने आई तो चिल्लू पर पानी में जाके डूब मरोगे तुम, क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। रिया पचौरी आई कि नहीं आई? तो रिएक्शन ऐसे लग रहा है मुझे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आ गई, थैंक यू। चलो, तो ये बात अगर समझ में आ गई तो आ जाओ इधर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को देख के मुझे पता चलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q,
v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r. पर पता चलता नहीं, पता चलता ना, चलो ठीक है. ये देख रहे हो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है. इस कंडक्टर को मैं जितना ज्यादा चार्ज दूंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा. ठीक उसी प्रकार घर पे पापा जितने ज्यादा थपरने देंगे टेम्परेचर बीतेगा ही ज्यादा बढ़ेगा. सही है कि नहीं? क्लियर? जितने ज्यादा थपरने बीतेगा ही ज्यादा टेम्परेचर. सिमिलरली किसी कंडक्टर को जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा. समझ में आ रही है बात? यानी पहला फैक्टर क्या हुआ? चार्ज ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस. इफ चार्ज ऑन द कंडक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. नहीं आई बात समझ? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बोलो. दूसरा पॉइंट होता है हमारा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम. इनवर्सली है तो इफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस. इनवर्सली है ना, इफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. एंड इफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस. समझ में आ रही है बात? इसको समझो थोड़ा सा. ये डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम एकदम से शायद ही बल्ले बढ़ाओ. मैं आपको बताऊं, जैसे ये है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है. अगर मैं इसे अभी जैसे इसके चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है तो हम लोग एयर मानते हैं है ना, तो एयर में पोटेंशियल कुछ और होगा. एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, सबसे कम डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एयर का होता है 1. अब एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रख दिया तो के बढ़ जाएगा, है ना, के बढ़ जाएगा तो वी कम हो जाएगा. यानी ये जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा. क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्लियर? तो दूसरा पॉइंट हो गया डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम. इफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. एंड इफ इट इज डिक्रीजेस, इट इज इंक्रीजेस. बोलो भैया, बात समझ में आई? कितने पॉइंट हो गए? दो. कौन कौन से? इसको बोलो, व्हाट इज दिस? डोंट से चार्ज, से चार्ज ऑन द कंडक्टर. What is this? Dielectric constant of the medium. If dielectric constant of the medium increases, potential decreases. Decreases. तंत्र पर गो होगा. अगला, इसको देखो, ये spherical conductor है, ये इसकी radius हो गई. अगर मैं इसकी radius बढ़ा दूं, तो radius बढ़ाने पे, अच्छा radius बढ़ाने को indirectly मैं ये नहीं बोल सकता, size of the conductor. Radius बढ़ाना यानी size बढ़ाना. समझ में नहीं आई? मैंने आई नहीं आई. क्लियर? तो साइज ऑफ द कंडक्टर, इफ साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, साइज बढ़ गया. क्लियर? रेडियस बढ़ गई, साइज बढ़ गया है ना. इफ साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, साइज बढ़ाने का मतलब आर क्या हुआ? बढ़ गया है ना. तो इफ साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. होप यू अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड गाइस? यू बेटर अंडरस्टैंड. क्लियर? ओके. तो तीसरा पॉइंट हुआ साइज ऑफ द कंडक्टर. साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. अगली बात पे आता हूं. एक और है, प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर. क्लियर? प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अनचार्ज कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है. समझिए इस बात को. जैसे कोई ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर के बगल से अगर मैं कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दूं, क्लियर? चार्ज कंडक्टर के बगल से अगर मैं कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दूं तो क्या करता है, ये जो चार्ज कंडक्टर होता है वो थोड़ा बहुत चार्ज अपने बगल वाले को दे देता है. क्लियर? थोड़ा बहुत चार्ज अपने बगल वाले को दे देगा. तो जब इस पे, जब ये इसको चार्ज देगा तो इस पे तो चार्ज कम हो जाएगा ना, और इसका चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, है ना. यानी कहने का तात्पर्य है कि चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाता है तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाता है. समझ में आई बात? ये ठीक उसी प्रकार है. जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी जेब में दुनिया भर की टॉफियां भरी पड़ी हैं और मैं टॉफी रोहतक जा रहा हूं. तुम वहां पे बैठे हो मौस उठाए, तुम्हारा मन चल रहा है जब मैं रोहतक जा रहा हूं, सर, तो मैंने कहा लो जाओ ऐश करो, लो तुम भी खाओ. क्लियर? समझ रहे ना? तो मैं टॉफियों से फुली चार्ज था, तुम अनचार्ज थे, तुम्हारे पास एक सिंगल टॉफी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत टॉफियां आप लोगों को दे दी. समझ में आई बात? तो मेरा पोटेंशियल क्या हुआ, मेरे पास टॉफियां क्या हो गई, कम हो गई. सेम प्रोसेस. क्लियर? चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर दिया जाए तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल
कम हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड गाइज? तो अब आप लोग कर लेंगे एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थैंक यू, है ना। तो ये बात चलिए वेल, इसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, तो उस न्यूमेरिकल को हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक नंबर 47 हमको दे रहा है और कह रहा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर इज 3.4 × 10⁻¹⁴ मीटर, 3.4 × 10⁻¹⁴ मीटर ये रेडियस दे रहा है, अच्छी बात है। आगे वो आपको बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें और ई की वैल्यू उसने यहां पर आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻¹⁹। क्लियर है, ये उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि पट्टा आखिर हमसे चाहता क्या है। क्लियर, पट्टा आखिर हमसे चाहता क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। पहले सभी लोगों को क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे लिखा है आपको प्रॉपर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। सीन क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद। कम से कम आज आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत एहसान मंद हूं। क्या ऐसा तो ना रहा है कि जबरदस्ती झील रहे हो कि बोले चलान तो नहीं तो आवाज चिल्लांगी और पालन से आ जाते हैं तुम तो मैं चलिए ठीक है। तो वो सुन, इस क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले उसको, वो बोल रहे सिल्वर है ना और सिल्वर के न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखो नाने पर वो इतने मालूम है, जी बात मैंने जानी थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने जब पढ़ा था तो उसमें ऐसे बताया जाता है भैया जी एटम है, एटम के अंदर जो को न्यूक्लियस होते हैं, ऐसा ऐसा बताया जाता है, सुनिए मैंने, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है हाँ। तो वो कह रहा है सिल्वर का न्यूक्लियस है और वो भलो इंसान है भाई साहब जो सिल्वर को एटॉमिक नंबर तुम्हें दे रहा है 47। क्लियर, मैं हूं तो हाँ, नहीं दे तो बिल्कुल नहीं दे तो पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर सिल्वर का, समझ में आ रही है मेरी बात। क्लियर है, कोई माइकल आज जो मुझे एटॉमिक वेट बता सके सिल्वर का, स्टूडेंट ऑफ द डे एटॉमिक वेट उन्नति, उन्नति वेट अ मिनट, या 180, सॉरी रॉन्ग आंसर, शिवानी गुर्जर, या 108, वेरी गुड, 108 इज द राइट आंसर, शिवानी गुर्जर इज द स्टूडेंट ऑफ द डे। शिवानी अपना पिक भेज देना मुझे एक व्हाट्सएप पे, है ना। वेल लिसन, 108 है, खैर हालांकि यहां पर एटॉमिक वेट से कोई मतलब नहीं है, है ना, पर मैं चेक कर रहा था कि किसको आता है किसको नहीं। उन्नति समझ गया ना, आपने डिजिट स्वैप कर दिए इधर उधर, 0 और 8 है ना, खैर जो भी है कोई बात नहीं, होता है दिस हैपेंस। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, खैर अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल वो बोल रहा है सिल्वर है और सिल्वर का एटॉमिक नंबर दे रहा है 47 और सिल्वर का ये जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस की रेडियस दी है उसने आपको, इसकी रेडियस दी है, ये रही 3.4 × 10⁻¹⁴ मीटर। तो कह रहा है इस न्यूक्लियस पर पोटेंशियल कितना होगा, क्लियर, वो कह रहा है इसका जो सरफेस है उस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना रहे हैं वो इतने मालूम है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी बराबर 1/4πε₀Q/r। बोलो भैया स्टेप क्लियर है सभी को, भाषा समझ में आ रही है ना तक की। तो v बराबर देखो 1/4πε₀ की वैल्यू मैं जानता ही हूँ, k बिन्ने कछु दौ ना ले तो k की जगह तो अपन धरी देते हैं, कहा धरते हैं k की जगह, कहा धरते हैं k की जगह, चावला जी कहा धरते हैं k की जगह, 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, आवाज धरेंगे भाई, है ना। आर आर पट्टन में दही है वो, आफत तो ये है कि चार्ज चाहिए वो चार्ज, तो भैया जाके न्यूक्लियस में चार्ज निकालना पड़ेगा। तो सुनो उस पट्टे ने मुझे बोला है इसका एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47 है, एटॉमिक नंबर देने का रीजन क्या है उसका, एटॉमिक नंबर से वो ये बता रहा है कि जाके अंदर 47 प्रोटॉन है। क्लियर, 47 तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो काय के बराबर होगा, 47 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। बोलो तो ऐसे लिखो इस पर चार्ज 47 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बोलो भैया समझ में आई बात,
सुनो हेलो, जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में मैंने ये सब चीजें टेबल बनवा दी थी, बकायदा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सवाल पे चार्ज बता रहे थे, मूड गर्म करने की जरूरत ना है। हाँ, जिन लोगों का 11th वीक है ये सब चीजें बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में ही। महीना भर है वो, एक चैप्टर खत्म करते करते क्लियर। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपको काफी सारी चीजें 11th की बतानी पड़ती है ना। खैर जैसा भी, तो यहां तक बात समझ में आई सभी को? ओके चलो, ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ जिससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाए, अदरवाइज मैं तो एक सेकंड में कर दूंगा और जो अच्छे बच्चे वो समझ भी जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग। चार्ज प्रोटॉन का है और मैंने सुना है कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होता है कि नहीं होता? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जगह ऐसे लिख दो ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो अपॉन। स्टेप समझ में आ रहे हैं सारे? तो बस आप कछुआ था ही ना है। ओके चलो बोलते जाओ फटाफट। 1/4π0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ 47 ई माने दव है, क्लियर। अगर ई नहीं दव होता तो मैं तो नहीं चिपका दे दू, क्लियर है। और खैर वो लाए हैं मातंग हम लोग, डिवाइडेड 1 के की जगह 1 आर रेडियस माने दही है 3.4×10⁻¹। सीन समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई परेशानी? जब पूरे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.99×10⁻⁶ वोल्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को। सीन क्लियर है सभी को भैया? जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो राजा बेटा की तरह। चलो फास्ट चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो हमसे बोल रहा है दो चार्जेस हैं, +20 nC एंड -18 nC। ये मैंने यहां पर बना दिए, ये दो चार्जेस मैंने बना दिए। एक मैंने बनाया +20 nC और दूसरा है -18 nC। और वो कह रहा है ये दोनों ही चार्जेस जो हैं, दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 m। ये दोनों एक दूसरे से 10 m के डिस्टेंस पर रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, रखी तो ये 10 m के डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कह रहा है एट वॉट पॉइंट इन बिटवीन डैम द टोटल पोटेंशियल विल बी जीरो। तो कह रहा है इनके बीच में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो भैया क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एक बार मैं फिर से बोल देता हूं क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे। वो कह रहा है दो चार्ज, एक +20 nC एक -18 nC, दोनों एक दूसरे से 10 m के डिस्टेंस पर रहेंगे। सवाल समझेंगे क्वेश्चन। चार्ज दें तो इस चार्ज को मैंने Q1 नाम दे दिया, यहां लिख देता हूं मैं Q1 इज इक्वल टू दिस एंड Q2 इज इक्वल टू दिस, दीज आर द टू चार्जेस। यहां इनको लिख लेता हूं मैं Q1 इज इक्वल टू हमारा 20 nC। बोलो भैया है कि नहीं है 20 nC और Q2 हमारा है -18 nC, ठीक है जी, -18 nC। और स्टार्टिंग में ही मैंने याद करा दिया था न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं बोल चुका था आपको डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पीको फेंटो एटो, याद है आपको? बोलो है ना। हाँ वेरी गुड अंकित समझ गया। तो नैनो कितना होता है? नैनो होता है 10⁻¹, क्लियर। इसी तरीके से ये -80 है तो -80 × nC की जगह 10⁻¹। सीन क्लियर है भैया? बोलो कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 10 m के डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच में किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? तो आप मुझे बताओ ये वाला पॉइंट इनके बीच में है क्या? ये वाला पॉइंट इनके बीच में है? नहीं है। ये वाला पॉइंट इनके बीच में है? नहीं है। ये वाला पॉइंट इनके बीच में है? यही बीच है ना, बीच। ये सब पॉइंट इनके बीच में ही है, क्लियर। देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस होता है बिटवीन और मिड, देयर इज अ डिफरेंस। ये जो पॉइंट है ये मिड में है, ये मिड में है, क्लियर। लेकिन बिटवीन तो ये भी है, ये भी बिटवीन है, ये भी और ये भी बिटवीन है। समझ में आ रही बात? नहीं है बात। जैसे सामने आप बैठे हो, यहां मैं हूं, अब ये मार्कर हम दोनों के बीच में है, अब अभी भी बीच में, अभी भी बीच में, अभी भी बीच में, समझ गए ना, क्लियर। यानी इन दोनों के बीच में पॉइंट कहीं भी हो वो बिटवीन ही कहा जाएगा, लेकिन अगर मिड बोलेगा तो केवल यही वाला होगा। क्या ये मिड हो सकता है? क्या ये बिटवीन हो सकता है? क्या ये उन्नति क्या कर रही है? ये बिटवीन हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता बिटवीन? शालिनी
मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या आप लोगों तक, जिसकी वजह से रिएक्शन कुछ और चीज का होता है? आवाज लेट आ रही है, लैग कर रही है आवाज, हिंडे कर रही है लैग आवाज? काफी लोग तो सही बता रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हो। पहले मैं बताऊं, ये वाला पॉइंट बिटवीन हो सकता है, ये वाला बिटवीन हो सकता है, ये वाला बिटवीन हो सकता है, क्या मिड को बिटवीन बोल सकते हैं? मिड को बिटवीन बोल सकता हूं, ऐसे समझो ना। हर कुत्ता एक जानवर होता है, ट्रू फॉल्स? ट्रू। हर जानवर एक कुत्ता होता है, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे ना। इसी तरीके से हर मिड बिटवीन होता है, पर हर बिटवीन मिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। गॉट इट? फर्क समझ में आया ना होगा, क्लियर? तो बिटवीन और मिड में क्या फर्क है समझ में आया? तो वो पट्टा मुझसे यहां पूछ रहे हैं, इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? अब तुम बीच जाए बोलोगे तो कहानी खत्म है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे जीरो होगा, मतलब ऐसे ही बैठा हुआ फिर, समझ गए ना। बीच का मतलब होता है कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले तो मुझे बताओ, क्लियर? तो सुनो, तो मैंने मान लिया इन दोनों चार्जेस के बीच में, सपोज करिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, ऐसा मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, यानी मैंने ये मान लिया वीपी बराबर जीरो। समझ में आ गई कहानी? बोलो भैया पहले तो मुझे बता, आ गई? मैंने मान लिया ऐसा, और मैंने ये भी मान लिया कि इस पॉइंट का यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, और जब ये डिस्टेंस एक्स है तो कोई मुझे बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा? टेन माइनस एक्स, है ना, टेन माइनस एक्स, या बात कर ले, क्योंकि पूरा टेन है ना, टेन में से एक्स माइनस कर दिया। ये पॉइंट मत बना ना, ये तो मैंने आपको मिड और बिटवीन बनाने के लिए समझाया थे, पता पता जब कोई पॉइंट डॉट डॉट बना के बोले सर ने बनाया तो होगी, क्लियर? यहां तक बात समझ में आएगी सभी को, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आ जाओ जरा, मैंने पी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कर दिया, आप बताओ इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चार्ज। चार्ज जिम्मेदार होंगे, एक तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और एक इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा? आज तो भाई में 3 रुपया, कल 2 रुपया, के रुपया है गए 5 रुपए। सिमिलरली इस चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल मैंने इस पर मान लिया V2, तो कितना पोटेंशियल हो गया? जीरो नहीं, V1 प्लस V2, क्लियर? V1 प्लस V2 बराबर जीरो। यहां तक सीन क्लियर है? बोलो हाँ? चलो, तो क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बताना जरा, V2 जाने के लिए आपका चुना करो। V1 पोटेंशियल कौन से चार्ज की वजह से था? Q1 चार्ज की वजह से था पोटेंशियल। तो बताओ भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, 1/4πε0k, क्यू की जगह Q1 लिख दो, अपॉन आर, तो इसके कारण ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। समझ में नहीं आई होगी, आ गई क्या समझ में आई? बराबर माइनस भैसो की भैसो V2 इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल था, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1/4πε0k, क्यू की जगह क्या लिखू, Q2 अभी तो फॉर्मूला बना रहा हूं, वैल्यू अवेल रखू, आर की जगह क्या लिखू ये बताओ, आर की जगह? हाँ, आप महान है, आप धन्य बच्चे हैं, आर यही तो हुआ इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस 10 माइनस x। सीन क्लियर है भैया? बोलो, बोलते क्यों नहीं है, क्या याद है तुम्हें? क्लियर है? 1/4πε0 कैसे 1/4πε0 के तोड़ दू, तोड़ दू। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ आगे देखिए, Q1 कितना है हमारे पास, Q1 की वैल्यू ये रही 20×10⁻¹ / x, माइनस Q2 कितना है, −18×10⁻¹ / 10⁻¹। बोलो भैया इसका क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है? मैंने यहां पर जो लिखा है रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, वेरी गुड। तो देखो भैया, 10⁻¹ से 10⁻¹ कटी गई, कटी गई नहीं कटी गई, नहीं कटी गई। चलो आगे आगे बढ़ता हूं, 21 से 20, 24 से 80, 20 का टेबल ही नहीं आता, वो तो मैं कह रही हूँ, 4 दिख रही है, तो मैं 4 लिखी है, दिख रही है 4। अच्छा हाँ, क्या तो 3 है तो भाई, तो यहाँ क्या बच गया, 1/x, 1/x इज इक्वल टू −−+, तो प्लस का 4 हो गया ये, 10⁻¹
यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, माइनस एक्स भीतर जाओ प्लस एक्स, तो डायरेक्ट 5x लिख लो कि करके बताओ जोड़ है, पता कर देता हूं मैं, 5 × 2 = 10 और एक्स बराबर कितना आ गया 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर का मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 आ गया, इसका मतलब ये है कि 20 नैनो कूलम चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई? अगर वाकई समझ में आ गई तो बताओ मुझे माइनस 80 नैनो कूलम चार्ज से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। वेरी गुड, 8 इज द राइट आंसर, है ना, 8। क्लियर, समझ में आई बात सभी को, कर पाओगे, है ना? ओके, अब फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में, ठीक है, चलो करो फटाफट। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे, है ना, तो कल आगे बढ़ाएंगे हम लोग वापस क्लास को, ठीक है ना, इसके आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये सब देखेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैप्टर 1 में मैंने आपको वो पढ़ाया था एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, थोड़ा सा देख आना अगर इच्छा हो तो, ऐसा करके आओगे अच्छे से करके आना सब लोग, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।